सवाल है, किसके लिए? मेरा सवाल समाजवादी सरकार से है और कांग्रेस सरकार से है। अब सरकार में तो ना समाजवादी है ना कांग्रेस है, ना यूपी में ना दिल्ली में। सरकार पहले तो थी इनकी, हाँ, पार्टियों से है। तक इनका विरोध था, अब तक इन्होंने मुसलमानों को एजेंडा बना रखा था। 2013 के अंदर जब दंगा हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ है वो मुस्लिम समाज का हुआ है। 2013 के दंगा के अंदर जब मुस्लिम मारा गया तो समाजवादी सरकार ने 20 लाख रुपए का मल्लम, 10 लाख रुपए की जनाजे की चरपाई देने का काम किया है। और अब भी क्या दूरीकरण उसके बाद? आप सवाल क्या है? मेरा मुद्दा है, क्या आपने मुस्लिमों का पेंडा छोड़ के क्या मुस्लिमों का विकास करोगे आप? मुसलमानों का विकास समाजवादी पार्टी नहीं करती है, सिर्फ वोट बैंक के तौर पर मुसलमानों को देखते हैं आप लोग, ये आरोप है। देखिए, समाजवादी पार्टी गांव, गरीब, किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक सभी की पार्टी है। और शायद भाई साहब को जानकारी नहीं है, अभी पीडीए चला आया है, हमने गांव-गांव हमारी पार्टी पहुंच रही है। पीडीए का मतलब है, मैं इनको भी बता दूं, पीड़ित दलित और अल्पसंख्यक, पिछड़ा दलित और पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, ठीक है, उनके लिए हम सब योजनाएं लेके आए। कह रहे जबानी जमा खर्च करते हैं ना आप। ऐसा है, ये भाई ना तो अखबार पढ़ते, ना इनको जानकारी है किसी चीज की। जो आदमी 2013 का मुद्दा उठा रहा है उससे पूछिए कि 2013 के बाद यहाँ कितने चुनाव हुए और सभी हिंदू और मुसलमान ने एक जगह प्यार से वोट डाला। ठीक है, मैं जल्दी से और जनता के बीच चलते हैं, कुछ और सवाल लेते हैं। आपका क्या सवाल है, किससे सवाल है? मैडम, मेरा समाजवादी सरकार की ये पार्टी वालों से सवाल है। चौधरी साहब अभी बता रहे थे, जब 2000 कहराने में दो व्यापारियों की सरेआम हत्या होगी तो आज उस बारे में चर्चा क्यों नहीं करते कि वे हत्याएं बंद क्यों होगी? आज बताओ किसी भी व्यापारी की कहीं हत्या हो रही, कोई उपरन हो रहा, कोई दंगा हो रहा, कुछ हो रहा? जो आप बार बार कह रहे हैं, आप सड़कों का विकास देंगे, रिश्ते, आप ये कह रहे हैं कि आप लोग जब समाजवादी पार्टी सरकार में थे तो फिर कानून व्यवस्था मतलब जीरो, यही कह रहे हैं ना? और कह रहे हैं आप, देखिए आप योगी राज मोदी राज में कानून व्यवस्था कितनी शानदार, 100%। ये सभी जितनी पब्लिक यहाँ बैठी हुई है ये बता देंगे कि 112 नंबर जो इन्होंने नाम बदल के 100 नंबर अखिलेश जी ने चलाई थी, वो 100 नंबर समाजवादी पार्टी ने चलाई थी और उसी की वजह से क्राइम रुका है, उसी की वजह क्राइम इनकी वजह से रुका, समाजवादी पार्टी की वजह से क्राइम रुका। जवाब दूंगा अभी, क्योंकि अशोक भाई ने कहा पीडीए चला रखा, तो स्वर्णों की वोट तो इनको चाहिए नहीं, ना बनियों की वोट चाहती, ना ब्राह्मणों की, ना ठाकुरों की, तो क्योंकि इनको स्वर्ण जाति से भी नफरत है, एक तो विषय ये है, स्वर्ण जाति से भी नफरत है। देखिए उन्होंने घेर लिया आपको, आप पीडीए पीडीए की बात करते हो। मैंने आपको बताया ये जो पार्टी है ये सभी धर्मों का, अनुराग जी का चेहरा दिखाइए ना, कितने खुश हो रहे हैं घेरने के बाद। सभी धर्मों का, सभी जातियों का और सभी व्यापारी और किसानों का सम्मान कर, बात सिर्फ पीडीए की क्यों? सवाल तो यही है ना, अच्छा और किस किस के सवाल है, जल्दी से हाथ उठाइए जल्दी से। ये पीडीए भी सब ढोंग है, ये बता रहे हैं कि मुस्लिम हम साथ जो पीडीए ढोंग है, पीडीए ढोंग है सर, जवाब तैयार रखिएगा। और किसका सवाल है, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। आतरस हुआ था उसके पे ऊपर क्या बात है बता रहे जा रहे आप? अच्छा, कानून व्यवस्था मतलब कह रहे 100% नहीं। हाँ जी बाबा जी आ जाओ, क्या क्या सवाल है? हमारा ये सवाल है, केंद्र से भी ये जो नहर का पानी है ये केंद्र का है, प्रदेश सरकार का नहीं। और हमारी एक नहर यहाँ से गंदेवड़े तक पर एक सार करती 30 किलोमीटर, नहर का पानी आता नहीं। हम मुंजी लगावे, डीप ट्यूबवेल चलावे, गेहूँ बोओगे डीप ट्यूबवेल चलाओगे, पानी की समस्या है, नहर का पानी नहीं मिल रहा। ये बीजेपी वालों ने किया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।